वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं धीरज वशिष्ठ और आज एक मैं बाइक का रिव्यू करने जा रहा हूं जिसका नाम है यामा फेजर। ये 2012 मॉडल है जो आप देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके कंप्लीट डिटेल्स रिव्यू दूंगा मैं आपको इस वीडियो के साथ, जुड़े रहिए, कंप्लीट वीडियो देखना। मैं इसमें कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, इसके प्रो और कॉन्स भी बताऊंगा आपको, माइलेज वगैरह, सर्विस कॉस्ट, सारी चीज़ें इसमें वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसकी की के साथ। की कुछ ऐसी देखने के लिए मिल जाती है आपको, बहुत ही बेसिक की है। यामा की मैक्सिमम बाइक में आपको यही डिज़ाइन मिलेगा। सो अगर मैं फ्रंट से बाइक की बात करूँ तो फ्रंट पे आपको बहुत बड़ा कंसोल मिल जाता है, हेड यूनिट जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें आपको डुअल लाइट देखने के लिए मिलेंगी जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट थी। तो लाइट्स का लुक कुछ ऐसे आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बीच में आपको पार्किंग लाइट देखने के लिए मिल जाती है और साइड में आपको बड़ी दो हेलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं जो कि लो और हाई बीम दोनों पे काम करते हैं, दोनों एक साथ भी जलते हैं। नीचे की तरफ वहीं पर मैं बात करूं तो आपको फ्रंट फेंडर प्लास्टिक का देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट फेंडर डुअल कलर में आता है जो कि सिल्वर कलर में, और बाइक सारी रेड कलर में, तो कहीं कहीं पे आपको सिल्वर फिनिश भी देखने के लिए बाइक में मिल जाएगी। साइड फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसमें जो कि सिंगल बीम पे है। अभी ऊपर की तरफ मैं बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ी विंडस्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है जो काफ़ी स्पोर्टी बनाती है बाइक को। साथ ही में आपको दो रियर व्यू मिरर मिलते हैं देखने के लिए जो कि इस बाइक में, इस बाइक की लुक को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करते हैं। वहीं पर मैं अगर साइड की बात करूं, साइड प्रोफाइल से कुछ बाइक ऐसी दिखती है। बाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ी है क्योंकि बाइक जो जिस सेगमेंट में बिलोंग करती है वो एक क्रूज़र सेगमेंट है, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप वगैरह के लिए यामा ने लॉन्च करी थी। वहीं पर नीचे चलूं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है एक बहुत बड़ी डिस्क ब्रेक। वहीं पर टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो टायर सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा 100/80 17 इंची का, आपको इसमें अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिल जाता है। अलॉय व्हील आपको 5 स्पोक में मिलता है, 5 स्पोक अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर मैं फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँ तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉकर देखने के लिए मिलेंगे फ्रंट पे दो। साइड में मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेंगे जो कि वो भी हेलोजन में मिलते हैं, LED उस टाइम पर नहीं था। यहाँ पर कुछ इंजन ऐसा दिखता है। अगर मैं यहाँ पर इंजन की बात करूँ तो इंजन मिलता है आपको 153 cc का इंजन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जो कि 13.5 PS पावर जनरेट करता है विद 12.8 Nm टॉर्क के साथ, जो कि बहुत सही पावर है, एक हेल्दी इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको यामा की बैजिंग देखने के मिल जाएगी। इस वाले वेरिएंट में आपको किक अवेलेबल थी, किक भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी सेल के साथ साथ। यहाँ पर आपको ब्रेक का कैलिपर देखने के लिए मिल जाएगा। साइड में अगर मैं बात करूँ तो इसका साइलेंसर भी उस टाइम पर काफ़ी स्पोर्टी आता था, काफ़ी छोटा कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट के साथ साथ इस पर आपको हीट इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छी मिलती है, प्लास्टिक लगी हुई है इसके ऊपर ताकि बैक पिलियन वगैरह के लिए पैर पे कोई इंजर्ड ना हो, तो इसलिए प्रॉपर कवरिंग दी हुई है। यहाँ पे फुट रेस्ट मिल जाता है बैक पिलियन के लिए। यहाँ पर आपको यामा की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है बाइक की। अगर मैं पीछे की तरफ बात करूँ तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, उस टाइम पे रियर डिस्क ब्रेक इसमें आती नहीं थी। टायर सेक्शन की बात करूँ तो पीछे की तरफ आपको थोड़ा चौड़ा टायर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट। यहाँ पर टायर सेक्शन थोड़ा बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है जो कि 120/80 17 है, 17 इंची का ही वो, मगर थोड़ा चौड़ा टायर है जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है बाइक को। ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको इस वाले टायर सेक्शन के साथ। पीछे की तरफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिलते हैं आपको 2 टर्न इंडिकेटर जो कि हेलोजन लाइट के साथ आते हैं। सेंटर पर आपको टेल लाइट मिल जाती है, वो भी एक हेलोजन बल्ब के साथ आती है। पीछे की तरफ जहाँ पे मैक्सिमम बाइक्स में एक टेल लैंप दी होती है, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ एक शार्प एज वाला डिज़ाइन बनाया जहाँ पे एक यामा का लोगो मिल जाता है। पीछे 2 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं बैक पिलियन के लिए जो काफ़ी एनहेंस करते हैं बाइक की लुक को। साइड से अगर मैं बात करूँ दोबारा से, यहाँ पे आपको चेन मिल जाती है विद एक स्पोर्टी कवर, अपर साइड पे आपको चेन कवर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम स्पोर्ट्स बाइक में आते हैं, नीचे की तरफ से नेकड है। साइड की बात करूँ तो थोड़ा एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक सेफ्टी गार्ड मिल जाता है बैक पिलियन के लिए जिसमें कि वो टायर वगैरह से उसके कपड़े वगैरह टच ना हो। और आगे की तरफ चलूँ तो यहाँ पर आपको गेयर लीवर देखने के लिए मिल जाता है। ये बाइक जो है हमारे पास ये 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, इसमें 5 गेयर हैं। सो ऊपर की तरफ मैं चलूँ तो इसमें एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी मिलती है आपको 12 लीटर फ्यूल इसमें आ जाता है करीब करीब। और वहीं पर अगर मैं फ्यूल टैंक की बात आई तो इसकी माइलेज भी आपको बताना चाह रहा हूँ। इसकी माइलेज कंपनी तो क्लेम करती है 40-45, बट जो मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ पिछले 7-8 दिन से तो मैंने तो इसकी 30-35 ही देखी है एवरेज, क्योंकि
क्योंकि मैंने ज़्यादा हैवी भी ड्राइव नहीं की, बट मैक्सिमम टाइम मैंने और भी कहीं पर डिस्कस किया है दो चार लोगों से, तो इसकी जो एवरेज वो बता रहे हैं वो 30 to 35 ही बता रहे हैं। आइए फ्रंट की तरफ से मैं इसका कंसोल दिखा देता हूँ कंप्लीट। यहाँ पर आपको मिलता है 2012 में उस टाइम के दौरान भी आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता था। सेंटर पे मिलता है ये वाला RPM, यहाँ पे ऑडियो मीटर देखने के लिए मिल जाता है किलोमीटर ड्रिवन कितनी है बाइक, यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है वो भी डिजिटली देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको गियर वार्निंग लाइट देखने के लिए मिल जाती है न्यूट्रल की, नीचे आपको इंजन की भी एक लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ से आप रीसेट वगैरह कर सकते हो, ट्रिप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के साइन देखने के लिए मिल जाएंगे, मैं चला के भी दिखा देता हूँ आपको। ऊपर की तरफ आपको लाइट का मिल जाता है हाई बीम लो बीम वाला। इसका स्पीडोमीटर कुछ ऐसा दिखता था। वहीं पर अगर मैं इसमें कुछ हैंडल बार की बात करूँ तो हैंडल बार आपको इसमें काफ़ी बड़ा मिल जाता है, मिल जाती है हाई बीम पासिंग लाइट के लिए मिल जाती है, यहाँ पर लो बीम हाई बीम का बटन देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर का स्विच देखने के लिए मिल जाता है, उसी के नीचे आपको हॉर्न देखने के लिए मिल जाता है, मैं हॉर्न सुना भी देता हूँ आपको, ड्यूअल हॉर्न इसमें आता है। वहीं पर साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंजन स्टॉप ऑन बटन मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाते हैं पूरे, वहीं पे नीचे आपको सेल्फ मिल जाता है बाइक का देखने के लिए। ये थी बाइक की कुछ डिटेल्स जो मैंने देखा था, मैंने इसमें अपने हिसाब से नोटिस किया, कुछ रिसर्च करी, तो मेरे को तो यही सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिली हैं। सामने से देखिए मैंने इसकी दोनों हेडलैम्प्स ऑन कर दिए हैं, तो गाड़ी की बाइक की लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही है। दूर से अगर मैं बात करूँ तो बाइक ऐसे लगता है सीरियसली कोई बहुत ही ज़्यादा सुपर बाइक काइंड ऑफ आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर यामा की सुपर बाइक्स वगैरह में ही ये चीज़ देखने के लिए मिलती है हमें। अगर मैं बाइक के कर्व वेट की बात करूँ यहाँ पर, तो कर्व वेट आपको मिलता है 141 kg। इसमें टॉप स्पीड जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 110 km/h की स्पीड इसमें देखने के लिए मिल जाती है आपको। वहीं पर अगर मैं इसकी सीट की बात करूँ, सीट गाइज इसकी इतनी कम्फर्टेबल है, सीरियसली मैंने इसको बाइक को चलाया, कहीं पर भी आपको थकान महसूस नहीं होगी, इसकी सीट बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। और उसकी मैं अगर हाइट की बात करूँ तो 790 mm मिल जाती है, जो कि 5.5 feet तक के बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा सही बाइक है। मतलब अगर वो डिस्कम्फर्ट होता है सीट ऊंची ऊंची की वजह से, तो ये वाली बाइक उसके लिए बहुत सही है, अगर कोई प्लान कर रहा हो पुरानी फेजर वगैरह लेने के लिए, अगर इसकी माइलेज को ना देख रहा हो। वहीं पर अगर मैं इसकी सर्विस की बात करूँ, बाहर अगर मैं रिकमेंड करूँ बाहर से अगर कोई सर्विस करा रहा है इस वाली बाइक की फेजर की, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस बाइक की मैं बता रहा हूँ 800 से 900 रुपये में इसकी सर्विस हो जाएगी विद वॉशिंग, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता टू व्हीलर में। तो गाइज़ मैं यहाँ पर इसके कुछ प्रो और कॉन्स भी बताना चाहूँगा बाइक के, क्योंकि ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रोज़ क्या है इसके, एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर मिलती है आपको, बिल्ड क्वालिटी में इसका कोई तोड़ नहीं है। वहीं पर अगर इसकी मैं स्टाइलिंग की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बाइक है, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मस्कुलर बाइक लगती है, बहुत चौड़ी है आगे से, क्योंकि आप सोच रहे हो छोटी मोटी बाइक की तरह इससे कहीं कटवट मार लेंगे, तो उसके लिए बाइक नहीं है ये, एक रिलैक्स, किसी को पसंद है किसी को रिलैक्स होके जाना अपने ऑफिस या कहीं पर लॉन्ग ट्रैवल करना है, तो एक क्रूज़र बाइक की सेगमेंट में आती है, तो उस लेवल की बाइक है। और वहीं पर अगर मैं इसके साइड से बात करूँ तो एक पॉजिटिव पॉइंट आपको ये भी मिल जाता है, इसकी जो लुक्स है बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक आती है यहाँ से देख सकते हो आप, तो ये भी एक इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी हैंडलिंग में इसको 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि जिस टाइप की हैंडलिंग मुझे पसंद है बाइकों में वही है इसका। हैंडल बार भी आप देख सकते हो बहुत चौड़ा है इसका, जो कि इसकी राइडिंग कंफर्ट को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। तो ये तो थे इसके कुछ प्रोज़, और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, कॉन्स इसके ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला तो यही है माइलेज इसकी बहुत कम है, 30 तक ही दे पाती है, 30-32 तक अराउंड दे पाती है। तीसरा, ये बाइक अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इसका कोई नया वर्जन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। चौथा, रियर में इसमें डिस्क ब्रेक देना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से जितनी बड़ी ये बाइक है तो ये डिज़र्व करती है पीछे भी एक डिस्क ब्रेक। सो आगे वाले मॉडल वर्जन में शायद डिस्क ब्रेक दिया था, बट इस वाले पर्टिकुलर में आता नहीं हो। तो ये तो थे गाइज मेरे कुछ इस बाइक के बारे में रिव्यूज़ डिटेल्स। तो अगर आपको पर्टिकुलर कुछ और भी इस बाइक के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हो आप नीचे, मैं आपको ज़रूर इसके बारे में सारी पिन पॉइंट डिटेल्स दूंगा। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही।